स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे अध्याय 6, जिसमें रेखाएं और कोण, आपको रेखाएं और कोण की जानकारी, उनके चित्र आपको सब समझा दिए गए थे। आज भाग 4 में हम कुछ प्रश्नावली जो है उसके संबंधित सवालों को देखेंगे। देखिए, पहला सवाल इंपॉर्टेंट है, आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि AB दो जो ऐसी लाइन है, इसका मतलब समांतर, यानी रेखा AB समांतर है रेखा CD के। ठीक है, तो ये अर्थ होता है रेखा कौन सी है, AB। देखो, एक रेखा AB गई है ये, ठीक है, दूसरी रेखा CD, ये जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे से समांतर हैं, ठीक है, कट नहीं कर रही हैं। चलिए आगे, अब एक रेखा पर दो कोण निर्मित हो रहे हैं। देखो बेटा, ये एक कोण ये हो रहा है, इसका नाम x है, दूसरा कोण हो रहा है ये 50 अंश का, ठीक, इस रेखा पर, तो ये कहलाएगा रैखिक युग्म। तो x धन 50 डिग्री बराबर 180 अंश, क्योंकि जो सरल रेखा का कोण होता है, आपको पता है होता है कि जो सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, थोड़ी जो कोण हम सरल कोण भी कहते हैं, ठीक है, तो जो टोटल जो जितने भी कोण होते हैं वो 180 कहलाते हैं, चाहे सरल रेखा सीधी हो और ये तिर्यक रेखा हो, तो दोनों के कोण को 180 मापते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स धन 50 बराबर 180 अंश, ठीक है, तो एक्स बराबर 180 में से 50 को घटाएंगे तो आएगा 130 अंश, ठीक है। अब y बराबर 130, ठीक, तो x और y की वैल्यू ये हो गई 130, ठीक, जब दोनों बराबर हैं x और y, ये देखिए, तो इसका मतलब है कि एकांतर कोण गुणधर्म से, एकांतर मतलब होता है जो z की आकृति जैसा कोण बनाता है उसे एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है, ये प्रकार का जेड बनेगा, ये कहना है एकांतर कोण, इसके जो अंतर कोण है इनको लेंगे, ठीक, अंतर कोण में एक एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, ठीक, एक्स और वाई कितने हैं, 130 अंश, ठीक है, तो ये कहना है, इसीलिए ए बी समांतर है सी डी के, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2, आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी, सी डी समांतर है ई एफ के, तो वाई वाई बाय जेड इज इक्वल टू 3/7, वो तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, आकृति में ज्ञात करना, ठीक। अब इसमें भी तीन रेखाएं बन रही हैं, देखो बेटा, कौन सी, ए बी एक रेखा, दूसरी सी डी, तीसरी रेखा है ई एफ, ठीक है, तीन रेखाएं A, B, C, D, E, F, ठीक, इनके बीच एक तिर्यक रेखा गई है, ये वाली इस तिर्यक रेखा पे जो कोण बन रहा है, कोण बन रहा है X और Y, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पहले हल में हमको X की वैल्यू निकालनी है, तो AB समांतर है CD के, ये दिया है, क्यों, क्योंकि AB एक समांतर रेखा गई है सी डी, ठीक, इसी प्रकार सी डी समांतर है ई एफ के, सी डी के नीचे एक रेखा है वो भी क्या है, स्ट्रेट यानी समांतर है, ठीक। समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि ए बी समांतर है ई एफ के, ठीक है, कैसे, जब ये रेखा इस रेखा के समांतर है और ये रेखा इस रेखा के, तो ये वाली पहली रेखा है वो भी तीसरी रेखा के क्या होगी, समांतर होगी, ठीक, तो ये होगी, इसीलिए एक्स बराबर जेड होता है, ये एकांतर कोण कहलाता है। देखिए x और z, x और z, ठीक है ना, रेखा AB का कौन सा कोण बना था, ये x कोण बना था, इसी प्रकार EF पर कौन सा कोण बना था, z, हमने आपको बताया है कि जो z की आकृति बनाता है उसको कहते हैं एकांतर कोण, इसकी जो अंतर
समानता ने सीडी के दिया गया है और x धन y बराबर x अंश कैसे x और y ये यहाँ x और ये y ठीक है ये दोनों कोण है किसके एक सरल रेखा कौन सी सरल रेखा तिर्यक एक रेखा ये भी क्या है सरल रेखा थी इसके बीच के जो कोण है वो 180 का होगा x धन y बराबर क्या होगा एक ही ओर के अंतर कोण अंदर वाले कोण लिए अपन ठीक अथवा z plus y z कहाँ है दी देखो z कहाँ है z और ये y ये भी क्या है एक ही ओर के जो है वो भी अंतर कोण के अंदर ये भी 180 के कहलाएंगे ठीक तो z 7 के z का मान रखा है 7 के y का है 3 के बराबर 180 डिग्री अब 7 और 3 जोड़ो तो क्या आएगा 10 के बराबर 180 अंश ठीक है देन k इसके आगे का सॉल्यूशन ऐसा होगा k बराबर होगा 180 बाय 10 कैंसिल करो इसको 0 से 0 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 18 डिग्री ठीक k की वैल्यू आ गई 18 डिग्री या अंश चूंकि x बराबर z समीकरण 4 से ठीक तो x बराबर और 7k ठीक है तो 7 गुणा k का मान है 18 तो 18 डिग्री 7k के स्थान पर इस k के स्थान पर पुट किया ठीक है ये पुट ओके तो 18 × 7 7 का इंटू 18 में करेंगे यानी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 126 आपको ये भी मालूम होना चाहिए बच्चों 18 × 7 ये आपको आएगा 126 या फिर आपको 7 × 18 आपको 18 का भी क्या आना चाहिए टेबल आना चाहिए ठीक है टेबल आएगा तो आपको बनेगा ठीक 18 × 7 कितना होगा क्या आएगा 126 आएगा ठीक है स्टूडेंट आज के लिए इतना ही दे रहे हैं आपको दोनों सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है हल करना है और नोटबुक में लिख के हमको सेंड करना है ठीक है बेटा थैंक यू।